सब्सक्राइब कीजिए होम शेफ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए मजेदार सी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। आज हम बना रहे रमजान स्पेशल चिकन बर्गर। रेसिपी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक छोटी प्याज लिए है, इसमें 2 हरी मिर्ची डाले है, इसको चॉप कट करेंगे। प्याज और हरी मिर्ची को हम मिक्सर की जार में चॉप करेंगे। 350 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, इसमें हम 2 ब्रेड स्लाइस टुकड़ों में काट कर डालेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, चॉप कटी हुई हरी मिर्ची प्याज डालेंगे, जरूरत के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम बर्गर की मिक्सचर को मिक्सर की जार में बारीक पीस लेंगे। अच्छी तरह से पीस कर हो गया। अब हम हाथों को तेल लगाएंगे और बर्गर की पेटी तैयार करेंगे। 350 ग्राम चिकन में हमारी 6 बर्गर की टिक्कियां बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें फेटे हुए अंडे में बर्गर की टिक्की डीप करेंगे, ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। इसी तरह सब बर्गर की टिक्कियां कोट करेंगे। सब बर्गर की टिक्कियां कोट करके हो गई। हमने तेल गरम किया है, गैस की आंच मीडियम करेंगे। मीडियम आंच पर बर्गर की टिक्कियां फ्राई करेंगे। बर्गर की टिक्कियां एक तरफ से फ्राई हो गई, अब हम पट्टी करके दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। सब बर्गर की टिक्कियां फ्राई करके हो गई। हम एक बॉल में 1 प्याली माइनस लेंगे, इसमें 1/2 प्याली केचप डालेंगे और केचप और माइनस को मिक्स करेंगे। बारीक कटी हुई 1 प्याली पत्ता गोभी डालेंगे, तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम बर्गर तैयार करेंगे। बर्गर के निचले हिस्से में हम जो मिक्सचर गोभी का तैयार किया है वो लगाएंगे। इसके ऊपर गर्मा गर्म बर्गर की टिक्की रखेंगे, 1 स्लाइस चीज रखेंगे। मजेदार सा बर्गर बनकर तैयार हो गया। अभी तक होम शेफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए।